नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। तो ये क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स इन द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है क्रिएशन बनाने के लिए, शेड्यूल करने के लिए, या फिर टर्मिनेट समाप्त करने के लिए प्रोसेस को। एक जो प्रोसेस होती है, एक जो कार्य होता है, ठीक है, एक जो प्रोग्राम होता है, जो एग्जीक्यूशन में होता है, उसको क्रिएट करना, उसको शेड्यूल करना, किस टाइम पर वो रन करेगा, ठीक है, कब रेडी होगा, तो उसको टर्मिनेशन करना, उसको समाप्त करना, ये सब कौन सर्व करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ओएस हमारा शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीबी, दैट हेल्प्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसेस। तो जो हमारा क्या करता है, मदद करता है, जो प्रोसेसेस होती है हमारी, जो कार्य होते हैं हमारे, उसकी जो कार्य पद्धति होती है, उसको कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रण करने में, क्लियर है बात, हेल्प करता है हमारी। एवरी प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ पीसीबी एसोसिएटेड विद इट। हर एक प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, उसके साथ क्या होता है, एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। अब पीसीबी कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेस बाय स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स। तो हमारा जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो क्या करता है, ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है हमारा प्रोसेसेस का, इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है उसको संग्रहित करके, उसको स्टोर करके, अबाउट वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि स्टेट क्या है, जो हमारी प्रोसेस की अवस्था क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, उसका इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या है, उसकी इनपुट आउटपुट की स्थिति क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग उसको क्या है हमारी, उसको सीपीयू शेड्यूल हो गया है नहीं हो गया, उसको सीपीयू में डाल दिया गया है नहीं डाल दिया गया, ठीक है, प्रोसेस होने के लिए। तो ये सब चीजें हमारी कौन देखता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखता है, क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, और ये क्या है, इसके वेरियस कंपोनेंट्स है, प्रोसेस, स्टेट, प्रोग्राम, काउंटर, सीपी रजिस्टर, सीपी शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विल हेल्प अस टू गेट द न्यू नो द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बेटर। तो प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन, उसको ज्यादा जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की कंपोनेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। आप पीसीबी कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग, तो पीसीबी के पास प्रोसेस कंट्रोल के ब्लॉक के पास हमारी ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रोसेस आईडी, एन आइडेंटिफायर दैट हेल्प्स अस आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग अ प्रोसेस। तो प्रोसेस आईडी हमारी वो चीज होती है, जो हमें क्या करती है, एक आइडेंटिफायर की तरह काम करती है, एक पहचानकर्ता की तरह काम करती है, जो मदद करती है आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, लोकेट करने में एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस का पता लगाने में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, प्रोसेस स्टेट, इट डिफाइन द स्टेट दैट द प्रोसेस इज करंटली इन। तो ये बताता है किस अवस्था में हमारी प्रोसेस है, इट कुड बी न्यू प्रोसेस, वो एक नई प्रोसेस भी हो सकती है, एक रेडी प्रोसेस भी हो सकती है, जो तैयार है हमारी, जो रन कर रही है वो प्रोसेस भी हो सकती है, जो प्रोसेस वेट कर रही है वो भी हो सकती है, या फिर जो टर्मिनेट हो चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है वो भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस स्टेट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी प्रोसेस लाइफ साइकिल या फिर प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, प्रोग्राम काउंटर, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द प्रोसेस। तो प्रोसेस के जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट निर्देश है, वो कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। इट ऑल्सो स्टोर अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस। तो इस बात की भी जानकारी रखता है, इस बात के भी काउंट रखता है, जानकारी रखता है, गणना रखता है कि कितने नंबर में हमारे इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स, द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर्स गेट स्टोर्ड हियर वेयर द प्रोसेस इज इन द रनिंग स्टेट। तो जो कंटेंट होता है हमारा प्रोसेस रजिस्टर्स का, वो कहां पर स्टोर होता है, हमारा सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है हमारा, हियर व्हेन द प्रोसेस इज इन द रनिंग स्टेट, जब हमारी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होती है उस दौरान, ठीक है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर, अलग अलग प्रकार के सीपीयू रजिस्टर हमारे कौन कौन से हैं, एक्यूमुलेटर्स, इंडेक्स, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड कंडीशन कोड रजिस्टर, क्लियर है बात। अब बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन की। अ प्रोसेस नीड्स टू बी शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस है जो, उसको शेड्यूल तो किया जाएगा ना, उसको एक टाइम टेबल बनाया जाएगा, भाई इस टाइम पे इसको प्रोसेस करना है, इसको मतलब रन करना है, क्लियर है बात। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाया जाएगा हमारा। अ प्रोसेस नीड्स टू बी शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए उसको शेड्यूल किया जाएगा, शेड्यूल करना जरूरी है। बेस्ड ऑन दिस शेड्यूलिंग इट गोज फ्रॉम रेडी टू रनिंग। तो इस शेड्यूलिंग के आधार पर ये जो हमारी प्रोसेस है, वो कहां जाती है, रेडी स्टेट से, तैयार स्टेट से हमारी रनिंग स्टेट में जाती है। सीपी शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन कंटेन प्रोसेस
सीपी शेड्यूलिंग होती है जो हमारी, वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है क्या होती है हमारी प्रोसेस प्रायोरिटी के बारे में, कि प्रोसेस की प्राथमिकता क्या रहेगी, टू डिटरमाइन विच प्रोसेस गोज फर्स्ट, ये डिटरमाइन करना है कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस बहुत सारी है हमारे पास, प्रोसेस का क्या लगा हुआ, ढेर लगा हुआ है, उसमें से कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी, कौन सी प्राथमिकता में जाएगी हमारी, उसके बारे में डिटरमाइन करना, उसके बारे में बताना, ठीक है, वो कौन करता है, सीपी शेड्यूलिंग का काम होता है हमारा। पॉइंटर्स फॉर शेड्यूलिंग क्यूज, जो हमारे क्यूज है उनको शेड्यूल करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना, टू मार्क द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किस ऑर्डर में किस हमारे क्रम में एग्जीक्यूट होंगे चलेंगे उसको मार्क करना, एंड वेरियस ऑफर अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स, और भी बहुत सारे हमारे जो शेड्यूलिंग के पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखता है हमारा सीपी शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, क्लियर बात। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, कंटेंस डिटेल्स लाइक सीपी यूटिलाइजेशन। तो अकाउंटिंग एंड जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा पीसीबी का एक ब्लॉक होता है, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, डिटेल होती है, जानकारी होती है सीपी यूटिलाइजेशन के बारे में, सीपी के उपयोग के बारे में, रियल टाइम यूज के बारे में, प्रोसेस के द्वारा क्या रियल टाइम यूज किया जा रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स के बारे में और प्रोसेस के बारे में, कितने नंबर में हमारा काम चल रहा है, जॉब्स का मतलब काम चल रहा है, प्रोसेस का मतलब भी वही है, एटसेट्रा, इन सब के बारे में जानकारी रखता है हमारा अकाउंटिंग एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन कॉम्पोनेंट, ठीक है। सेवंथ क्या हमारा, मेमरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, कंटेंस वैल्यू ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी होती है हमारी, ये वैल्यू कंटेन रखता है हमारी बेस की और लिमिट रजिस्टर्स की, डिटेल अबाउट पेज सेगमेंट टेबल्स, जो हमारी टेबल्स हैं, जो अलग अलग टेबल्स है सेगमेंट में है हमारी, उनके बारे में जानकारी रखना, उनके पेजेस के बारे में जानकारी रखना, इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी सिस्टम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज। तो ये इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर, मेमोरी सिस्टम पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इस्तेमाल में यूज में है, ठीक है। सेट पॉइंट की बात करें, इनपुट तुम्हारे का इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, कंप्राइजेज इनपुट आउटपुट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड टू द प्रोसेस स्टेट्स स्टेटस एटसेट्रा। तो जो इनपुट आउटपुट, जो हमारा स्टेटस, जो हमारा कंपोनेंट है पीसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, वो क्या उसमें क्या होता है, हमारे इनपुट आउटपुट की जो रिलेटेड, जो हमारे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होता है, जानकारी होती है, इसमें क्या होती है, लिस्ट होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, इनपुट आउटपुट के उपकरणों की, जो एलोकेट किए जाते हैं प्रोसेस को, जो प्रोसेस को आवंटित किए जाते हैं, प्रोसेस को दिए जाते हैं, जिस टाइम पर वो रन कर रही होती है हमारी, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस दौरान उसको जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके स्टेटस के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, एटसेट्रा, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, इसमें क्या है, वेरियस वेरियस हमारे कंपोनेंट्स है जिनके बारे में हमने एक एक करके देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।